खुरई में ऑडिटोरियम में अनलॉक के बाद कलेक्टर दीपक सिंह एवं एसपी अतुल सिंह ने खुरई मालथोन बांदरी में अनलॉक को लेकर सभी विभागों के प्रमुख और जनप्रतिनिधियों के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट के साथियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में 5 तारीख से अनलॉक को लेकर चर्चा हुई और सुझाव भी दिए गए। व्यापारी दुकानदार सब्जी फल विक्रेताओं ने कहा कि टेस्टिंग वैक्सीनेशन करवाने की बात स्पष्ट हुई है, तो वहीं कलेक्टर दीपक सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को ऑडिवन के तहत अनलॉक 5 तारीख से शुरू किया जाएगा ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टेस्टिंग वैक्सीनेशन और किल कोरोना अभियान को और भी ज्यादा गति देने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए। कोरोना संक्रमण सागर जिले में लगातार कम हो रहा है। आज की तारीख में हमारे ज़िले में जो सक्रिय प्रकरण हैं उनकी संख्या 500 से कम हो चुकी है, जबकि जब डीप था तो 2000 से ज़्यादा सक्रिय प्रकरण थे। प्रतिदिन लगभग 15 से 17 प्रकरण पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं। विगत 7 दिनों की हमारी जो पॉजिटिविटी है वो लगभग 3% पे आ गई है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कोरोना कर्फ्यू अब समाप्त किया जाए और 5 तारीख से हम कोरोना कर्फ्यू समाप्त करके और जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिश करें। लेकिन 5 तारीख से जो खुलने का काम शुरू होगा उसमें अभी हमें शुरू में काफ़ी अनुशासन बना के रखना पड़ेगा। एक समय में 50% दुकानें ही खुलेंगी। इसके बारे में आज हमने खुरई मालथोन और बांदरी के जो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हैं, व्यापारी बंधु हैं और दूसरे जो प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की है। प्रारंभिक रूप से तय हुआ है कि हर मार्केट में एक राइट लेन और एक लेफ्ट लेन ऐसे निर्धारित की जाएगी। एक दिन राइट लेन खुलेगी और दूसरे दिन लेफ्ट लेन। जो फल और सब्जी के व्यापारी हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि या तो किसी बड़े मैदान में वो लगे या फिर अलग अलग वार्ड में छोटी छोटी जगह निर्धारित कर दी जाए जहाँ 5 से 10 उनके ठेल या शॉप्स लग सकें। मैं खुरई और मालथोन के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो हमारा वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसमें आप ज़रूर आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। दूसरा मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना कर्फ्यू भले हम समाप्त कर रहे हैं लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी है। खुरई मालथोन बांदरी क्षेत्र में भी सक्रिय प्रकरण है, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें कोविड प्रोटोकॉल के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की ज़रूरत है और हमको अपने व्यवहार में वो चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी जिससे हम संक्रमण से प्रभावित नहीं हों। तो मैं खुरई और मालथोन तहसील के सभी नागरिकों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि 5 तारीख से हम वापस अपने कामकाज में लग जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने शहर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व